हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। सो आज हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ये वीडियो 2021 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 जो होगा इसमें इस चैप्टर से कई सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसे हटा दिया गया है। इन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे, ठीक है। जैसे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था इस चैप्टर का, लेकिन इसे भी ये हटाया हुआ है। सो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में होगा ये सारे टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने, ठीक है। तो ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट वी स्टडी, क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे ये सारे हमारे सिलेबस में है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज, तो ये सभी अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में है। सो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। सो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कार्बन कार्बन के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और कार्बन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन हमारे लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला सी होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। कार्बन क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इसे हम स्पेशल पढ़ रहे हैं, ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट से जिसमें लिखा है कार्बन इज़ ए नॉन मेटल। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दे रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट को हम कैसे पहचानेंगे कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। जैसे कि हमें पता ही होगा कि हमारे नेचर में करीब 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 90 मेटल है और 22 नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड्स है, ठीक है। सो यहाँ पर हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, कम से कम आप लोग क्या करो ना, 1 से 20 तक का सबका एटॉमिक नंबर याद कर लो, ठीक है। अब इसके बाद यदि हमें पहचानना है कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, तो इसके लिए उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मैग्नीशियम का अगर हम एटॉमिक नंबर का बात करें तो होता है 12। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर जब भी 1 2 3 आए, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि वो मेटल होगा, और इसके बाद 4 5 6 7 8 जो होगा वो नॉन मेटल होगा, ठीक है। सो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट मेटल कब होता है, नॉन मेटल कौन सा होता है, ठीक, कौन सा मेटल होगा कौन सा नॉन मेटल होगा, इस तरह से हम पहचान सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, इसके बाद एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा और 6 प्रोटॉन होगा। इस तरह से अगर हम मास नंबर का बात करें कि कार्बन में कितने मास नंबर होते हैं, तो टोटल 12 हो जाएंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स, दैट मीन्स कि टोटल मास नंबर 12, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो 6 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले वाले सेल में तो 2 ही होगा, दूसरे वाले शेल में हम 8 फिल कर सकते हैं, लेकिन 6 ही है इसका एटॉमिक नंबर, इस वजह से 2 और 4 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 2 होगा। अब यहाँ पे मैंने ये जो 4 है यहाँ पे लिखा है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे ये पहला सेल है दूसरा सेल है, ठीक है, तो लास्ट वाले सेल में जितने भी मान के चलो इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे, जैसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो लास्ट वाला सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसे ही कहेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन में यदि 4 है लास्ट वाले सेल में तो उसे कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यदि वैलेंसी 4 है तो वो टेट्रावैलेंट कहलाता है, ठीक है। तो कार्बन क्या है, एक टेट्रावैलेंट है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही ऐसा है जो कि टेट्रावेलेंट है, सिलिकॉन भी टेट्रावेलेंट है, ठीक है, लेकिन हम कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए चलो जानते हैं व्हाई कार्बन इज सो इम्पॉर्टेंट, कार्बन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्यों है। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, इसके बारे में आप लोग को बताऊँगा कि कार्बन क्यों हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। सो पहला पॉइंट इसमें लिखा है, इट इज़ द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक मेन एलिमेंट होता है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स हो गया, यही है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो लगभग कार्बन देखा जाए तो सभी प्लांट्स एलिमेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, इस वजह से कार्बन क्या है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, एलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज़ आर मेड अप ऑफ कार्बन। एलमोस्ट
मतलब ऑलमोस्ट लगभग जितने भी फ्यूल हैं सभी कार्बन के बने होते हैं। जैसे कुछ फ्यूल का मैंने यहाँ नाम लिख दिया है, कोल, एलपीजी यानी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, किरोसिन, ये सारे क्या है, फ्यूल हैं। ठीक है, कुछ और फ्यूल का नाम जैसे मीथेन। सो ये सब कुछ फ्यूल हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इन सब फ्यूल में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे मैंने एलमोस्ट शब्द इसलिए लगाया है क्योंकि सभी फ्यूल जरूरी नहीं है कि उसमें कार्बन प्रेजेंट रहे। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ फ्यूल, हाइड्रोजन भी एक तरह का फ्यूल है लेकिन उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए मैंने यहाँ पे एलमोस्ट लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट आगे का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, प्लास्टिक हैव ऑल्सो कार्बन, प्लास्टिक में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आगे है, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, एल्कोहल, ग्लूकोज, विनेगर, ईटीसी कॉन्टेन कार्बन। अब यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के नाम दिए हुए हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, एल्कोहल, ग्लूकोज, विनेगर, इन सब में भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं, रहते हैं। ठीक है, सो समझ में आ गया ये। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन फॉर्म ऑफ मिनरल इज 0.02% एंड इन एटमोसफेयर एज CO2 इन 0.03%। अब इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में मिनरल के फॉर्म में 0.02% प्रेजेंट है, मिनरल के फॉर्म में हमारे अर्थ क्रस्ट में 0.02% प्रेजेंट है, और हमारे एटमोसफेयर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% प्रेजेंट है। सो ये हमारे MCQ क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट रहता है, तो मिनरल के फॉर्म में कितने परसेंट, तो 0.02%। इसी तरह से एटमोसफेयर में कार्बन किस रूप में प्रेजेंट रहता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट, तो 0.03%। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो ये कार्बन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको मैंने दो भाग में बांट दिया है कि बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला आयोनिक बॉन्ड जो है हमने मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ा था, वहाँ पर मैंने आप लोगों को छोटी सी जानकारी भी दी थी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंसेस से हम स्टार्ट करेंगे ताकि ये आप लोग को अच्छे समझ में आए कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो चलो इसके डिफरेंसेस से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है आयोनिक बॉन्ड में कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। सो ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता हो। जैसे कि हमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था सोडियम को लेके। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे 2, 8 और 1, 2, 8, 10, 10 और 11, 11 हो गया। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में रहता है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये हम लोग का हो गया आयोनिक बॉन्ड। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड का बात करें तो इसमें लिखा है द बॉन्ड फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अब शेयरिंग किस तरह से करेगा, किस तरह से शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, सो चलो इसमें हम देख लेते हैं। ये मान के चलो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। सो यहाँ पे एक सेल हम बना लिए और इसका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, इसका भी मान के चलो यहाँ पे 1 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले वाले नोबल गैस फुलफिल होने के लिए यानी कि वैलेंस, जो वैलेंस सेल होता है, जो आउटर मोस्ट सेल होता है, उसको फुलफिल होने के लिए स्टार्टिंग में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। सो इसको 2 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बोलेगा इसको कि तुम मेरे पास आ जाओ, ये बोलेगा इसको तुम मेरे पास आ जाओ। तो इस तरह से ये दोनों आपस में एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। सो ये कुछ इस टाइप में फिर बन जाते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी समझेगा, ये जो है ये भी समझेगा कि मेरे पास भी यहाँ पे 2, और ये भी समझेगा कि मेरे पास भी 2 बॉन्ड। तो कुछ इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है। ठीक है, इसको और भी अच्छे से हम आगे
मैंने फिगर लिया हुआ है, तो उस फिगर में और भी अच्छे से समझेंगे, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, समझ में भी आएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग समझते हैं, आइए नेक्स्ट पॉइंट जो है उसे समझ लेते हैं। सो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हम लोग का फिर दिया हुआ है कि दे ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयोनिक बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं वो हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ही फॉर्म होंगे। ठीक है, जबकि ये दो नॉन मेटल के बीच में ही आपस में शेयर होके फॉर्म होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को कि जो आयोनिक बॉन्ड होंगे उसमें एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था मेटल नॉन मेटल में ही हम पढ़े थे, NaCl ये मेटल था, ये नॉन मेटल था। ठीक है, सो इस वजह से ये दोनों का फॉर्मेशन हुआ था NaCl का। सो कोवेलेंट बॉन्ड में हम देखने यहाँ पे देखा कि इसमें दो नॉन मेटल ही होना चाहिए, इसमें मेटल नहीं होगा, और इसमें आयोनिक बॉन्ड में एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा। ठीक है, जैसे अभी इसमें हमने देखा एग्जाम्पल एच एच करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों क्या था, एक तरह का ये नॉन मेटल है, क्लोरीन क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। आगे मैंने फिगर भी बनाया हुआ है, अच्छे से और समझेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल का बात करें तो NaCl अभी ही मैंने आप लोग ऊपर में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, इसका हम हाइड्रोजन एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी करके दिखाया है कि किस तरह से NaCl का फॉर्मेशन होता है, इसे अभी आप यहाँ पे समझ सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले फिगर में, पहले में दो ठीक है, दूसरे में भी आठ ठीक है, लेकिन तीसरे वाले में वन है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। और क्लोरीन में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो ठीक है, आठ ये भी ठीक है, लेकिन इसमें 7 है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इस ये भी क्या कर सकता है, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन तो Na को दे सकता था, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन उसको देने में उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसी वजह से इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी वैलेंस सेल पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देके 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ले लेगा। क्यों, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन अगर ये देता तो उसको ज़्यादा एनर्जी लगता, इस वजह से ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसमें कितना बच गया, 2 8, इससे इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो दोनों आपस में एक दूसरे से खुश हो गए। ठीक है, सो ये हो गया। इस फिगर से भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे सोडियम का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आप कहीं पे भी डाल दो फुलफिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे दो, पहले वाले शेल में 2 हो गया, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में भी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी पूरा नोबल गैस कंप्लीट कर लेगा और ये भी पूरा बैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, सो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का कुछ एग्जांपल। अब यहाँ पे लास्ट में मैंने कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन भी लिख दिया है, अगर आपको देखना होगा देख सकते हैं। बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है दो एटम के बीच में। ठीक है, यही होता है कोवेलेंट बॉन्ड, यही मैंने आप लोग ऊपर में समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका नोट्स भी है, सो आप लिख भी सकते हो। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं। सो नंबर वन यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोवेलेंट छुटा हुआ है, जब आप नोट्स बनाओगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लिखना। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिख लिया है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, जैसे एच एच में होता है यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन में। ठीक है, ये आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सेकेंड है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसमें भी कोवेलेंट छुटा हुआ है, आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें ऑक्सीजन में देखो यहाँ पे डबल, यहाँ पे आपको बॉन्ड दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के 3 टाइप्स हो गए, पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ है जो कि हमें ध्यान में रखना है, 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब चलो आगे देखते हैं, जानते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, क्या होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक ही बॉन्ड होगा, एक ही लाइन होगा इस तरह से। डबल कोवेलेंट में क्या होगा, 2 लाइन होगा। ट्रिपल कोवेलेंट में क्या होगा, 3 लाइन होगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लिखा हुआ है, आप चाहो तो नोट्स बना के इसको लिख सकते हो। ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
इट इज़ डिनोटेड बाई अ सिंगल शॉर्ट लाइन। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो HH और Br ये दोनों क्या है, नन मेटल ही है, ठीक है। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो सारे नन मेटल ही होंगे, ठीक है। सो इसमें जो मैंने अभी आप लोग को ऊपर बताया है कि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें क्या होता है, शेयर होता है। सो इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम बात करें कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो आपस में एक दूसरे से शेयर करे, जो भी एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करते हो, तो ऐसे बॉन्ड जो बनाएंगे उसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ऊपर में ऑलरेडी देखा हुआ है, ब्रोमीन में भी सेम इसी तरह से होता है। सो ये हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सो डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इसको हम अच्छे से यहाँ पे इस फिगर के द्वारा भी समझेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। सो यहाँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, ए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। अब दो एटम के बीच में थ्री इलेक्ट्रॉन्स यदि आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हो, तो इसे ही हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसको किस तरह से हम डिनोट करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट को, तो ट्रिपल शॉर्ट लाइन में इस तरह से रहेगा, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन में होता है, ठीक है। नाइट्रोजन में इसका भी हम अभी फिगर में देखेंगे, चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं। सो ये एग्जांपल है सिंगल कोवेलेंट का, ये एग्जांपल है डबल कोवेलेंट बॉन्ड का, और ये एग्जांपल है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। यहाँ पे कुछ और मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड का, जैसे वाटर, अमोनिया, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसे भी हम समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं किस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं, किस तरह से ये शेयर करते हैं। सो ये है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब पहला में फिल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इससे शेयर करेगा, ये मैंने आप लोग ऊपर ही बताया हुआ था कार्बन का, जब मैं आप लोग को समझा रहा था उस टाइम, ठीक है। सो ये क्या किया, यहाँ पर ऊपर में जो ये हाइड्रोजन है इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लिया, ठीक है। इसके पास पहले से एक था, ये बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया, ठीक है, और ये बोला तुम भी मेरे पास आ जाओ, तो ये दोनों आपस में क्या किए, एक दूसरे से शेयर कर लिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको भी लगेगा, इस वाले हाइड्रोजन को भी लगेगा कि मेरे पास तो दो इलेक्ट्रॉन है, अब इसको भी लगेगा कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन का यहाँ पर शेयरिंग के कारण क्या होगा, इसका भी नोबल गैस बोला पूरा हो गया और इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ठीक है, मतलब दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। नोबल गैस या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल, ये सब सारा सेम है, ठीक है। सो इसमें आप कन्फ्यूज्ड मत होना। अब इस वाले फिगर में हम समझते हैं ऑक्सीजन को। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 2 और 6, ठीक है। सो यहाँ पे वैलेंस शेल जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा वही हो गया वैलेंस शेल, इसमें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो इस वाले ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, दो ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन के पास 6 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए टोटल 8 होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन 6 है, तो दो इससे इसको बोलेगा कि दो तुम हमको दे दो, और ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा कि तुम दो हमको दे दो, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। सो इस तरह से जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दो बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक बॉन्ड बनाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, बस यही है, ठीक है, बस यही हमें समझना है। यहाँ पे अगर हम देख ले नाइट्रोजन में सेम वही काम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5 7 हो गया। सो यहाँ पे आप देख लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को आप डॉट या फिर क्रॉस में भी इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बचा हुआ था, 5 हो गया, इस वाले नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पे 5 है। अब इसके पास यहाँ पे देखो तो पहले वाले में 2, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में 8 होने चाहिए थे, लेकिन फ़िलहाल इसके पास 3 है। सो इसको फुलफिल होने के लिए और चाहिए यहाँ पे 3, तभी तो 8 होगा, ऐसे तो 8 होगा नहीं। सो ये क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, और ये बोलेगा तुम इलेक्ट्रॉन हमको भी 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो आपस में 3 3 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर लेगा। सो इसके पास भी यहाँ पे देखो तो टोटल ये भी वाला भी इसमें भी 8 हो गया और इसमें वाले में भी 8 हो गया। सो इस तरह से यहाँ पे ट्रिपल लाइन आ गया, ठीक है, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से शेयर किए, इसी वजह से इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो गया।
यहाँ पे मैंने कोवेलेंट बॉन्ड का एक और एग्जांपल लिया हुआ है वाटर का, ठीक है। वाटर में भी देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का सेम वही फॉर्मूला हम अपना अप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 2 और 6 इस तरह से हो गया। इसमें आउटर मोस्ट शेल में 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं फिलहाल, अभी 1 है, और इस वाले हाइड्रोजन में भी 1 है। तो इसको फुलफिल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इससे एक ले लेगा और इससे एक ले लेगा, तो 6 और 2 8 हो गया। और यहाँ पे आप देखो तो इस वाले फिगर में भी, यहाँ पे आप देखो तो ये क्या किया है, इस वाले ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन शेयर कर लिया, और ये हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी एक हाइड्रोजन जो है वो शेयर कर लिया। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अमोनिया का भी सेम इसी टाइप में है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए कोवेलेंट बॉन्ड के। अब यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कोवेलेंट बॉन्ड्स का क्या क्या होता है। सो नंबर 1 लिखा हुआ है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज दे हैव वीक इंटर मॉलिकुलर फोर्स। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है, जबकि हमने आयोनिक कंपाउंड में ये पढ़ा था कि उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई था, और इसमें वीक इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है, जबकि आयोनिक कंपाउंड में वीक नहीं होता, स्ट्रांग होता है, ठीक है। सो ये हो गया। सेकेंड इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। जनरली क्या होता है कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, या फिर हीट भी बोल सकते हैं। सो ये हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। वर्सेटाइल नेचर मतलब गुण हम बोल सकते हैं कार्बन का, क्या क्या गुण है। सो पहला यहाँ पे इसमें हम लोग 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कैटनेशन, दूसरा है टेट्रावेलेंसी, और तीसरा है आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। कैटनेशन क्या है, सो इसमें लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ब्रांचेज और रिंग स्ट्रक्चर्स। अब इसको मैं आसान चीज़ों से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कार्बन को कई बार आपने कुछ इस टाइप में देखा हुआ होगा कि एक चेन टाइप में बने होते हैं। सो कैटेनेशन में क्या होता है कि कार्बन एक लॉन्ग चेन में ये बना होता है, या फिर ये रिंग टाइप में भी बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो यही है कैटेनेशन। सेकेंड है टेट्रावेलेंसी। टेट्रा का मतलब 4, और कोवेलेंसी का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयर करता हो, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयर करे वही है टेट्रा कोवेलेंसी, ठीक है। सो इसमें लिखा है कि इट्स वैलेंसी इज 4, जैसे अभी मैंने बताया टेट्रा है तो 4 तो होगा ही, एंड इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स ओनली बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने भी आप लोग बताया कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जैसे CH4, C2H6, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे दिया हुआ है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है, सो इसमें लिखा है द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर और पॉलीमेरिक कंपाउंड। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो ये छोटे छोटे मोनोमर से मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, फॉर्म कर, यही होता है पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि इथिन से पॉलीथीन किस तरह से बना है। ये सब यहाँ पे कुछ मोनोमर्स मैंने लिए हुए हैं, और ये इससे पहले ये क्या है, इथिन है, ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। सो ये है इथिन, और इस ये क्या है, एक तरह का मोनोमर, छोटे छोटे मोनोमर है, इस इन सब से मिल के यहाँ पे ये एक पॉलीथीन ये बना लिया है, ठीक है। तो ये है पॉलीमराइजेशन, किस तरह से पॉलीमराइजेशन होता है। आगे है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, सो इसमें लिखा है कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। कंपाउंड जिसमें मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, वो आइसोमर कहलाएंगे, और ये जो प्रॉपर्टी होता है ये आइसोमेरिज्म कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो कैटेनेशन, कैटेनेशन में भी हम लोग देखे थे कुछ इसी टाइप में था, एक लॉन्ग चेन बना रहा था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें आइसोमेरिज्म, ये भी एक लॉन्ग चेन की तरह है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप देख लो, जैसे जो ऊपर में कैटेनेशन में देखे तो ये चेन टाइप में आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ इस टाइप में होता है, बीच में भी इस तरह से ये बना लेता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म में। सो ये हो गया आइसोमेरिज्म। अब चलो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ, एक तरह से हम कंपाउंड कर सकते हैं, कंपाउंड का एक टाइप है हाइड्रोकार्बन,
ठीक है। सो इसमें लिखा है कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का क्या है, तो वैसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से बने हो, तो इसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं, एक है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूँ कि ये जो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अनसेचुरेटेड आपके सिलेबस से बिल्कुल ही हटा दिया गया है। फिर भी मैं यहाँ पर आप लोग को एक छोटी सी जानकारी दे दे रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग जब होमोलोगस सीरीज़ पढ़ेंगे तो इसका वहाँ पर थोड़ा यूज हो सकता है, ठीक है। सो इसमें लिखा है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। सेचुरेटेड कार्बन्स में क्या होता है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख लो, ये सिंगल बॉन्ड सब यहाँ पे बने हुए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। आगे यहाँ पे एल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका अगर हम जनरल फार्मूला का बात करें तो CnH2n+2 होता है, ठीक है, इसका जनरल फार्मूला। अगर हमें इथेन बनाना है तो कुछ नहीं, एन के जगह पे बस आप 2 पुट कर लो, जो फार्मूला आएगा वही इथेन होगा। सो ये हो गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात करें तो इसमें लिखा है डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन आइटम, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बने तो वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बने तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बने तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, ये सेचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन होगा क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन क्या है, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है एल्किन्स एंड एल्काइन्स आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्किन और एल्काइन्स ये क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। आगे है एल्किन्स, इसका यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है एल्किन में। अभी मैंने आप लोग को ऊपर में एक फिगर दिखाया था, ठीक है। सो ये है एल्किन का यहाँ पे स्ट्रक्चर। सो आगे नेक्स्ट यह है जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन। अगर एल्किन का हम जनरल फार्मूला का बात करें तो इसमें लिखा है CnH2n, ठीक है। ये के आई यहाँ पे मिस्टेक से हो गया है, सो ये आप लोग को यहाँ पे नहीं देखना है, जो के आई यहाँ पे लिखा है ये आप लोग को यहाँ पे नहीं देखना है, ठीक है। CnH2n ये एल्किन का जनरल फार्मूला है। अगर हम एल्काइन का स्ट्रक्चर का बात करें तो इसमें एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बना रहता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है। एल्काइन का अगर हम जनरल फार्मूला का बात करें कि एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है, सो एल्काइन का यहाँ पे जनरल फार्मूला दे दिया गया है CnH2n-2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बारे में हमें नॉमेनक्लेचर अगर पढ़ना रहता है तो और डीपली से पढ़ते हैं, लेकिन वो तो सिलेबस में है नहीं, सो हम इतना डीपली से अभी नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज़। तो ये क्या होता है होमोलोगस सीरीज़, देखो इसमें लिखा है इट इज़ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है इसको हम बहुत ही सिंपल वे में समझ लेते हैं। इसमें क्या है होमोलोगस सीरीज़ में कि कार्बन का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, कार्बन का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा और हाइड्रोजन का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। बस यही हमें समझना है होमोलोगस सीरीज़ में, कार्बन का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा और हाइड्रोजन का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा, ठीक है। बस हमें इतना ही सब बात यहाँ पर समझना है। होमोलोगस सीरीज़ क्या क्या होता है, बहुत तरह का, जो हैलोजन हमने अभी देखा कुछ देर पहले, हैलोजन, एल्कीन, एल्काइन, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बहुत तरह के होमोलोगस सीरीज होते हैं, ठीक है। लेकिन उन सब के बारे में सिलेबस में तो है नहीं, वे हमें पढ़ना है नहीं, बस हमें समझना है कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है। होमोलोगस सीरीज़ क्या है, सो इसमें कार्बन का जो डिफरेंस होगा 1 होगा और हाइड्रोजन का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। किस तरह से, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एल्कोहल है, सारा OH OH है, सो ये एल्कोहल का यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है CH3OH और यहाँ पे है C2H5OH। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, 1 है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो 2 है, ठीक है। सो अगला इसके बाद आपको बोला जाए, अगर हम यहाँ पे देखें ये क्या है मिथेनॉल, ये क्या है इथेनॉल, ठीक है। इसी तरह से आगे वाला अगर हम देखें तो ये क्या है प्रोपेनॉल, ये है ब्यूटेनॉल। सो इसमें
देखो तो कार्बन इसमें एक है, इसमें कार्बन दो है, एक डिफरेंस हुआ, फिर कार्बन तीन, फिर चार, मतलब एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। तो कार्बन में डिफरेंस कितना हुआ? एक हुआ। इसमें देखो हाइड्रोजन का डिफरेंस टू हुआ, H3, H5, H5, H7, दो का डिफरेंस है, फिर 9, तो दो दो का डिफरेंस होता है। तो ये तो अल्कोहल ग्रुप का हुआ। अगर हम हेलोजन ग्रुप का अगर बात करें, से मीथेन, मीथेन में क्या होता है, फॉर्मूला CH4। इसके बाद अगला अगर हम इथेन का फॉर्मूला बनाना चाहें, तो इसके बाद C1 के बाद 2 होगा, और हाइड्रोजन में 2 बढ़ाएंगे तो 6 होगा। तो बस यही है होमोलोगा सीरीज। अब हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है? सो इसमें लिखा है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वे डिफरेंट टाइप्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देते हैं, बट उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो सेम रहता है। तो ये है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में मेनली हम लोग तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फ्लोरीन। ठीक है, ये किस तरह से बनते हैं चलो इसको देख लेते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से कि डायमंड एग्जिस्ट एज थ्री डायमेंशनल नेटवर्क विथ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स। डायमंड क्या है? एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है जो कि कार्बन कार्बन टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आगे है, डायमंड इज़ हार्ड इन नेचर, ये नेचर में हार्ड होते हैं, विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, आगे है, इट शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में शाइन भी करता है, एंड इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, आगे दिया है, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डायमंड इज़ इन मेकिंग ज्वेलरी। यहाँ पे डायमंड का यूज़ दिया हुआ है कि ज्वेलरी बनाने में हम यूज़ करते हैं डायमंड का। आगे है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। अब कोई भी जैसे शीशे का जो सामान होता है उसको ड्रिल करने के लिए, काटने के लिए, उसमें हम डायमंड लगाते हैं। ठीक है, सो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि कटिंग और ड्रिलिंग के लिए भी हम डायमंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डायमंड किस तरह से बना हुआ है, सो यहाँ पे अगर देखो, जैसे ये मान के चलो कार्बन है। ठीक है, कार्बन है तो इसके यहाँ पे देखो चार है। ठीक है, चार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कुछ इस टाइप में। ठीक है, तो हर कार्बन में चार चार करके होंगे, तो इस तरह से ये डायमंड का स्ट्रक्चर ये बना लेता है। तो ये स्ट्रक्चर है डायमंड का। नेक्स्ट आगे देखते हैं जो कि है ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, लिखा है, ग्रेफाइट इज़ मेड फ्रॉम वीक वैंडर वॉल फोर्सेज। ग्रेफाइट जो है वीक वैंडर वॉल फोर्सेज से बनते हैं। वैंडर वॉल फोर्सेज क्या है? इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज, आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड विथ अदर थ्री कार्बन एटम्स। उसमें हमने देखा डायमंड में क्या था कि चार कार्बन एटम के साथ बने हुए थे, लेकिन इस ग्रेफाइट में क्या है कि इसमें जितने भी कार्बन एटम होंगे उन सभी के जो बॉन्ड होंगे उसमें थ्री कार्बन एटम के साथ वो कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स, और वो साथ में हेक्सागोनल टाइप के एक रिंग भी फॉर्म करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हेक्सागोनल टाइप का ये रिंग भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे है, इट सर्व्स एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इट इज़ यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट्स एज वेल एज इट इज़ यूज्ड इन लेड पेंसिल्स। तो इन सब में इसका यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट मशीन के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है, और साथ ही पेंसिल वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, ये मैंने आप लोग को यहाँ पर बता ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस क्या है ग्रेफाइट में, यहाँ पर देखो तो ये तीन तीन करके ऐसे करके निकला हुआ है, और यहाँ पे अगर हम देखें जो डायमंड, देखें डायमंड में यहाँ पे चार चार यहाँ पे लिखा हुआ निकला हुआ था। ठीक है, बस यही है, यही चीज़ हमें समझना है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन में दिया हुआ है कि इट इज़ हॉलो केज विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर। ये एक स्फेयर, एक बॉल के फॉर्म में होता है, फुटबॉल बोलो, बॉल बोलो, ठीक है, एक बॉल के फॉर्म में फ्लोरीन होता है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू फ्लोरीन बट अलॉन्ग विथ हेक्सागोनल रिंग्स समटाइम्स पेंटागोनल्स और हेप्टागोनल रिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें देखा जाता है कभी कभी पेंटागोनल भी कहीं बना रहता है तो कभी हेप्टागोनल भी बना हुआ रहता है हेक्सागोनल के साथ साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, कहीं आपको इसमें हेक्टागोनल तो कहीं पेंटागोनल भी बना हुआ दिख रहा होगा। सो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर में बस इतना ही था, इसके बाद ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को समझेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।